अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच भारत सरकार वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिनभर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अफगानिस्तान से 120 भारतीयों को लेकर लौटा वायुसेना का विमान, गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी वीजा किया शुरू। उत्तराखंड में सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर उत्तराखंड चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एम्स के सर्वे में सामने आई अच्छी खबर, कोरोना का टीका ले चुके सिर्फ 2.5% स्वास्थ्य कर्मी दोबारा हुए संक्रमित। दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी गर्मी और उमस से राहत, मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगस्त के आखिरी 10 दिनों में होगी झमाझम बरसात। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, नकली डाक टिकट छापने पर जा चुका है जेल। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। मंगलवार को वायुसेना का विमान 120 भारतीयों को लेकर काबुल से उड़ा और जामनगर में लैंड किया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान के लिए वीजा नियमों में भी परिवर्तन किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सत्ता काबिज हो चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भारतीयों के लिए राहत की बात यही है कि 16 अगस्त को दिल्ली और काबुल के बीच उड़ानें रद्द होने के बाद मंगलवार सुबह काबुल से 120 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान जामनगर पहुंचा। इस विमान में काबुल में स्थित राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को भी वापस लाया गया है। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 120 भारतीयों को लेकर करीब 11:15 पर गुजरात के जामनगर पहुंच चुका है। काबुल से आए इन लोगों को जामनगर में लंच के बाद ग्लोबल मास्टर C-17 से ही गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज के लिए रवाना किया गया। अफगानिस्तान से वापस आए लोगों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। वहीं बसों में बैठकर इन नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। काबुल एयरपोर्ट पर बीते दिन बिगड़े हालातों के बाद विमानों का संचालन बंद हो गया था, लेकिन अमेरिकी सेना की ओर से यहां पर हालात काबू में किए गए और अब विमानों का संचालन शुरू हुआ है। इसी के बाद भारतीय विमान भी यहां से उड़ान भर पाया। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इस बीच भारतीय गृह मंत्रालय ने भी अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी ई इमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा शुरू किया गया है। अफगानिस्तान से भारत आने वाले लोगों को जल्द से जल्द वीजा मिल सके, इसके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के चुनावों में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद के प्रत्याशी होंगे। पूरी रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोठियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहके देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया।
आज भी दो गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन दो गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ। आम आदमी पार्टी से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। आप पार्टी ने जनता से मिले सुझावों के बाद कर्नल अजय को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। कर्नल कोठियाल ने अपनी ड्यूटी के दौरान केदारनाथ आपदा समेत उत्तराखंड के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। पार्टी की तरफ से अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कर्नल अजय ने खुशी जताई। मैं अरविंद केजरीवाल सर को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें तो सर के यहाँ से जितनी बार आएंगे हम सबका हौसला बढ़ेगा, हम सबको ना डायरेक्शन मिलती रहेगी किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर आप उत्तराखंड में काफी सक्रिय है। पार्टी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। जनता की क्या राय है? कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एम्स से एक अच्छी खबर आई है। एम्स के सर्वे में यह पाया गया है कि कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लेने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं होगा। जी हाँ, यह पाया गया है कि स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने दोनों टीके लिए थे उनमें से केवल 2.5% लोग संक्रमित हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस ने दूसरी लहर में बेशक कोहराम मचाया, लेकिन पहले संक्रमित हो चुके ज्यादातर लोग सुरक्षित रहे। दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्वे के अनुसार महज 2.5% स्वास्थ्य कर्मियों को ही दोबारा संक्रमण हुआ। दोबारा संक्रमण से बचाव में टीके को 80% प्रभावी पाया गया। खबरों की माने तो सर्वे की रिपोर्ट अभी किसी मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नहीं हुई है, शायद इसलिए संस्थान के डॉक्टर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। वहीं एम्स के अनुसार ये सर्वे देश में टीकाकरण की नीति तय करने में उपयोगी साबित हो सकता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो दोबारा संक्रमण का पता लगाने के लिए संस्थान के 20,799 कर्मियों पर सर्वे किया गया। 15,244 कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सर्वे में पाया गया कि 4,969 कर्मचारियों को कम से कम एक बार कोरोना का संक्रमण जरूर हुआ था। इस तरह 32% कर्मचारी कम से कम एक बार संक्रमित हुए, जिनमें महज 124 कर्मचारियों को ही दोबारा संक्रमण हुआ, यानी 2.5% को दोबारा संक्रमण हुआ। दोबारा संक्रमण को रोकने में टीके के प्रभाव के अध्ययन में पाया गया कि दोबारा संक्रमित होने से रोकने में टीका 80% व दोबारा संक्रमित होने पर बीमारी रोकने में 81% प्रभावी पाया गया। इससे साफ है कि टीका कोरोना से बचाव में असरदार है। अध्ययन में पाया गया कि 20-25% स्वास्थ्य कर्मियों ने अभी टीका नहीं लिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवा लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 32,937 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल तादाद बढ़कर 3,22,25,513 हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल किसी भी एक दिन में सबसे कम केस है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से चल रही गर्मी और उमस के कारण लोग बहुत परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त के आखिरी 10 दिनों में जोरदार बरसात होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पूरी रिपोर्ट देखें।
राजधानी वालों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मॉनसून के एक सप्ताह के ब्रेक चरण के बाद दिल्ली में 20 अगस्त को अच्छी बारिश की संभावना के साथ फिर से मॉनसून शुरू हो सकता है। आईएमडी के वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अभी भी ब्रेक मॉनसून की स्थिति बनी हुई है और ये 18 अगस्त तक रहने की संभावना है। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में ब्रेक मॉनसून 18 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है और महीने के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश से राजधानी में वर्षा की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों की माने ब्रेक मॉनसून के दौरान ऐसा समय होता है जब मॉनसून की ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब पहुँच जाती है, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश में तेजी से गिरावट आती है। हालांकि हिमालय की तलहटी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में वर्षा गतिविधियां बढ़ जाती हैं। स्काईमेट वेदर के अनुसार इस मौसम का दूसरा ब्रेक मॉनसून 10 अगस्त को शुरू हुआ था और इसके 18 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा 19 अगस्त के आसपास मध्य प्रदेश में चक्रवात आने की उम्मीद है, जिसके साथ दिल्ली के ऊपर पूर्वी हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में 19 अगस्त की रात से गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 20 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगस्त में अब तक 63.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 123.1 मिलीमीटर के मुकाबले 49% कम है। आमतौर पर राजधानी में अगस्त में 247.7 मिलीमीटर बारिश होती है। आईएमडी ने पहले इस महीने दिल्ली में सामान्य बारिश का अनुमान जताया था। बता दें कि अगस्त का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन दिल्लीवासी बारिश के लिए तरस रहे हैं। इस बार दिल्ली में मानसून की बारिश काफी कम देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक महीने के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश से राजधानी में बारिश की कमी पूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों को ठगने वाला एक नटवरलाल दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के बस्ती से गिरफ्तार किया है। यह ठग पहले नकली टिकट बनाने में भी जेल जा चुका है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर ठग है जिसने सरकारी नौकरी का झांसा देकर दिल्ली एनसीआर में कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस को लंबे वक्त से इस शातिर अपराधी की तलाश थी। पुलिस की टीम ने शातिर अपराधी को उत्तर प्रदेश के बस्ती से अरेस्ट किया है, जो कि फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर देकर ठगी करता था। आरोपी की पहचान वीरेंद्र कुमार राय के रूप में हुई है। वो द्वारका के नसीरपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि नकली डाक टिकट छापने के आरोप में भी ये कई साल तक जेल में रह चुका है। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे क्रिमिनल ऑफेंडर को अरेस्ट किया है जो द्वारका नॉर्थ थाने से पीओ डिक्लेयर था और सीबीआई हैदराबाद में भी उसको क्रिमिनल ऑफेंडर डिक्लेयर करवा रखा था और ये पहले 8 महीने जेल में रह चुका है। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसकी 4 रही है, डावड़ी थाने की है, सुल्तानपुरी थाने की है, सेक्टर 23 और सीबीआई हैदराबाद की इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। एक चीटिंग का केस इससे हमारा वर्कआउट हुआ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। वीरेंद्र कुमार राय इसका नाम है और ये नसीरपुर एरिया है दिल्ली का, वहाँ का रहने वाला है। दिल्ली और हैदराबाद की पुलिस टीमें लंबे वक्त से इसकी तलाश में थी। एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार, एएसआई नानक राम, हंस, अनिल और जितेंद्र की टीम ने इसके बारे में पता लगाया और गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई मामलों के सुलझने का दावा भी किया है। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।